हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? और आज सावन का फोर्थ सोमवार है, तो आप भीड़ देख सकते हो ना, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो हम यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए थे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना स्कूल का, तो थोड़ा सा मैंने मतलब अपने स्कूल का जो है ना, थोड़ा सा टूर दिखा दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए जो मेरा स्कूल है वो कैसा है, मैंने किस तरीके से जो है उसको, जब मैं आई हूँ वहाँ पे किस तरीके से मैंने उसको चेंज किया है। क्योंकि मैम ने ना सारी जितनी भी जिम्मेदारी है स्कूल की वो सब मेरे ऊपर ही हो गई है, इस वजह से जो है ना जो व्लॉग्स है ना वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, बीच में गैप हो जाता है। और यहाँ पर जो बेटी है वो डे केयर की है, तो ये पूरे दिन रुकती हैं। दो और भी हैं जो मैंने आपको दिखाई थी ट्विंस, तो वो दोनों सो रहे हैं और ये भी सो के उठी थी, तो इसको बनाना खिला रहे हैं। तो पूरा दिन हम दोनों का, ये जो बैठी हैं दीदी ये बहुत हेल्प करती हैं मेरी, तो इनको हमने रखा हुआ है। कितना हुआ? 40 लिख लिया? 50 लिखिए। यस। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग आप सभी को, क्योंकि शाम का 5:30 हो गया है और आप सबसे मैं सुबह मिली थी और अब मैं आप सबसे बात कर रही हूँ क्योंकि अभी सारे बच्चे जा चुके हैं। तो अभी मेरे पास आए, ट्यूशन के बच्चे आए हैं, तो इस टाइम पर जो है ना बच्चा मेरे पास एक आता है और ये नर्सरी का बच्चा है, तो एक ही आते हैं और अब इसके बाद आएंगे 6:30 से आएंगे, तो फिर उनकी क्लास लेंगे और उसके बाद फिर मैं घर चल जाऊंगी। बाकी सब चले गए तो सोचा आप सबसे बात कर लेती हूँ, अब मैं फ्री हुई हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी सी आप सबसे बात कर रही हूँ। तो मैंने आरना को भी बिठा दिया साथ में ताकि इसके साथ साथ ये भी पढ़ ले, इसको अकेला महसूस ना हो। और इसका नाम ना रूही है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए, हाँ मैं आपको भी थोड़ा सा अपना जो है ना, मैं आपको अभी अपनी क्लासरूम दिखा दूंगी कि कैसी है मेरी क्लासरूम, अभी आपको दिखाती हूँ। बस इनको मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ फिर उसके बाद, ठीक है? चलो बेबी करिए। वेरी गुड। आपको अपने स्कूल का थोड़ा सा मैं टूर दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा क्लास, ये है मेरी क्लास है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और यहाँ पर हमने 15 अगस्त वाले, मतलब उस पर 13 अगस्त को फंक्शन किया था, तो यहाँ पे हमने जो बोर्ड है इसको डेकोरेट किया था। मुझे ना क्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी बना लिया यूट्यूब पर देख कर। और इस तरीके से जो है क्लास है, थोड़ी सी सिंपल है, बट अभी मुझे क्राफ्ट नहीं आता तो सीख रही हूँ मैं यूट्यूब पर देख कर। तो थोड़े अच्छे से मैं अपनी जो क्लास है उसको अच्छे से मैं बना दूंगी। तो यहाँ बच्चे बैठते हैं, वो चेयर है वो अलग कर दी है ताकि बच्चे पहले आते हैं ना सुबह तो आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं। और ये है सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना उन्होंने मना किया था कि हमारे बच्चों को टॉयज़ इन सबसे नहीं खिलाना है, क्योंकि आपको पता ही कि ये ऐसा टाइम चल रहा है कि हम कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं, कि बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चों के यहाँ पर टच होते हैं। तो इस वजह से जो है ना हमने यहाँ पर रूम में ही सारे टॉयज़ रख दिए हैं और कोई नहीं खेलता है, बहुत ही कम खेलते हैं। जो बच्चे न्यू आते हैं ना तो उनको हम दे देते हैं ताकि वो रोए नहीं। और जो टॉयज़ है ना, मतलब स्कूल जो है ना हम उसको सैनिटाइज़र भी करवाते रहते हैं हर हफ्ते में। तो ये है प्ले एरिया, तो यहाँ पर ना बच्चे प्ले करते हैं। और ये है जो रूम है, ये डे केयर का रूम है, तो यहाँ पर बच्चे, आप जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब इसी रूम में करते हैं। तो यहाँ और आरना और जो मेरी जो ट्यूशन के लिए आती है वो दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम हो गया जाने का, तो मम्मा उनकी आ रही है। मैं घर जा रही हूँ और आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो टाइम हो रहा है 7:45, जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं।
क्योंकि मुझे ना आरना के आज बालों की कटिंग भी करवानी है, तो आज बहुत अच्छा मुझे, तो आज बच्चे बहुत जल्दी चले गए हैं सारे। सबसे ज़्यादा मतलब उनकी ज़्यादा टेंशन रहती है डे के वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो लेट जाते हैं, तो आज वो भी सब चले गए हैं और इसलिए मुझे टाइम मिल गया है। तो फिर मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लूँगी अपने लिए भी, देखती हूँ थ्रेडिंग वगैरह बनवाऊँगी तो बनवा लूँगी, और आना के बाल जरूर कटवाने हैं मुझे। चलिए मैं निकलती हूँ, सब जा चुके हैं और पैन ऑफ कर देती हूँ, चाबी निकाल लेते, चाबी रह जाता है ना बैग में से, वो निकाल लेती। आरना का बैग पैक कर रही हूँ ताकि कोई सामान ना रह जाए, और बस चाबी भी निकाल लूँगी बैग में से। तो यहाँ की जितनी भी लाइट्स हैं तो वो मुझे ऑफ़ करनी है, तो बस कैमरे रह गए हैं जो मुझे उनको ऑफ़ नहीं करना है, क्योंकि मैम मना करती हैं कि यहाँ पर मतलब कैमरे को ऑफ़ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें बंद रहेगी। तो जितनी भी गेट्स हैं एक बार मैं चेक कर लूँगी, सारे जो पर्दे हैं उनको मैं डाल दूँगी, तो बस यही इतना मेरा रहता है। और आप रोशनी देख सकते हो, अभी 7:50 हो गए थे मुझे निकलते निकलते, तो सारे सब कुछ चेक करके आना पड़ता है, सारी चीज़ें चेक करनी होती है, उसके बाद जाकर मैं बस लाइट ऑफ करके और मैं भी घर के लिए निकल जाऊँगी। मैंने आपको बताया था कि मुझे आरना के हेयर कट करवाने हैं, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, घर के बिल्कुल पास में ही है, तो सोचा कि चलो घर आज टाइम मिल गया, जल्दी निकल गई हो तो मैं करवा लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 8:30 करीब आती हूँ और जो शॉप है वो 8:30 करीब भी बंद हो जाती है। इस वजह से जो है ना आरना का कटिंग रह रही थी, तो उसकी फाइनल कटिंग हो गई है, कटिंग तो आपको मैं दिखाऊँगी, और बस घर जाते ही सीधा मुझे अभी खाना बनाना है। तो आपको पता ही है कि मैं फास्ट में हम मीठे से ही खोलते हैं, तो बस ये मैं भी पराठे बनाऊंगी और दही रख लूँगी, थोड़ी सी चीनी रख लूँगी, क्योंकि मीठे से खोलते हैं ना तो मीठा फिर मैं क्या बनाऊँ समझ नहीं आता। वैसे तो मैं मुझे दही अच्छी लगती है, और दही में मैं चीनी नहीं डालती हूँ, चीनी और नमक कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस खाली मुझे मैं चीनी खा लेती हूँ, तो उससे वो व्रत मेरा जो है वो खुल जाता है, तो ऐसे ही मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो चीनी डालकर ही दही मतलब दही में चीनी डालकर ही खाते हैं, तो वो ऐसे खाते हैं। और आरना जो है ना उसको भूख लग रही थी, उसको मैंने बनाकर दे दिया था, तो वो खाकर सो गई है, मतलब बेड पे ही सो गई है, तो उसको जब मैं खाना वाना खा लूँगी ना और उसके बाद ही मैं उसको बेडरूम में लेकर जाऊँगी, तो आप देख सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो मैं कपड़े भी चेंज नहीं करती हूँ, तो फटाफट से कर लेती हूँ, और जब खाना बन जाएगा ना उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके आराम से खाना वगैरह खाऊंगी, और जो किचन है उसको मैं क्लीन करूंगी। तो इतना तो ये मेरा डेली का फिक्स हो गया है, रात का ही जैसा होता है ना मैं वैसे ही, मतलब समझ नहीं आता, जैसे एक बार में इसे स्टार्ट हो जाता है ना फर्स्ट डे से ही, तो सेकेंड थर्ड फिर वो चीज़ आदत सी ही बन जाती है, तो यही है। तो बस अभी यहाँ पे मैं पराठे सेक लेती हूँ। अरे यार ये आधा अधूरा लगा है, देखना देखना पापा, आधा अधूरा लगा है, अंधेरे में लगा रही थी ना मैं, अंधेरे में लगा रही थी तो आधा अधूरा लगा। आरना जब सुलाने गई थी, जब वो सो गई मैंने फटाफट से लगा लिया, मैंने कहा सूख जाएगा, बट अभी थोड़ा सा गीला है, और मैंने लगाया था, मैंने आपको दिखाया था ना, तो वाव का उपटन जो है ना वो मैंने लगाया है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी लगाती हूँ, तो आज स्कूल से जल्दी आ गई थी इस वजह से मैंने आज लगा लिया,
और यार सॉरी यार, मैंने आरना के बाल नहीं दिखाए कि मैंने उसके बाल कटिंग करवा दी। थोड़ी सी मैंने दिखाया था आपको, शायद उससे अंदाज़ा भी हो गया होगा किस तरीके से बाल काटे हैं। मुझे ना छोटे बच्चों के बालों का कुछ पता नहीं है कि कैसे कटवाने चाहिए कैसे नहीं। मैंने उन वाले भैया से बोला था कि भैया अगर आपको ज़्यादा पता होगा कि छोटी है तो उसके ऊपर कैसे बाल अच्छे लगेंगे, तो उन्होंने फिर सिंपल से काट दिए हैं। ठीक है, गर्मी बहुत होती है ना तो वो कभी कभी चोटी खोल देती है, तो उसको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से मैंने उसके ना बाल ही कटवा दिए। और हाँ, तो आपके साथ आज मैंने अपना स्कूल थोड़ा सा आपको दिखाया है कि कैसा है। और अभी मुझे ना पता है क्या, मुझे क्राफ्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो स्कूल में जो क्राफ्ट जो थोड़े बहुत जो होने चाहिए, जो लगने चाहिए, जो क्लास को सजाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा है उसके अंदर, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्कूल को मतलब क्लास को सजाने के लिए तो करना पड़ता है, तो बस वही है। तो यूट्यूब पर देखूंगी और सीखूंगी, कुछ बनाएंगे वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ब्लॉगिंग करना इस अभी। वैसे मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इस वजह से जो है ना ब्लॉगिंग पूरी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। और इसलिए जो है ना, हो सकता है कि आपको हफ्ते में 2 बार वीडियो मिले, या फिर हफ्ते में 1 बार वीडियो बने मिले, या तो सैटरडे संडे हो सकता है, या फिर हफ्ते में 2 बार वीडियो मिले, ये हो सकता है। पर रोज कंटिन्यू मुश्किल हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू करने की, बट वो नहीं हो पाता। आप सब समझ सकते हो ना, तो आपसे तो कुछ छुपा नहीं सकती। आपको क्या लगता है कि मैं कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या हफ्ते में 2 दिन डालूँ ये मुझे बताइएगा, या फिर सैटरडे संडे डालूँ, ठीक है, मुझे बताना ज़रूर कि मैं कब डालूँ। और ये सूख जाए तो फिर मैं अपना फेस भी धो लेती हूँ, सोचा कि चलो आज जल्दी आ गया तो ये भी लगाया जाए, नहीं तो फिर ये ऐसी कैसी रह जाएगा फिर। चलिए अब मैं वीडियो को एडिट करूँगी, फिर ये मंगलवार है कल, तो कल जाएगी। और अभी टाइम 10 बज रहा है, और जो समेटना था वो समेट के रख दिया है सुबह के लिए, बस यही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेहंदी जब उतरती है ना वो बड़ी गंदी लगती है। बाय।